देखोर प्रत्येक नागरिकर अकाउंटर पर सरकार धन लग तो जितने लोगों का अकाउंट है मैं चाहता हूँ भारत सरकार रोज का एक रुपए लिया करे हमसे। वो जो टैक्स लेती जीएसटी लेती वो सब अलग मैटर है, इसका एक रुपए रोज का लेवे और 100 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जानी चाहिए। तीन दिन तीन टका कोई वृद्धि करो पेट्रोल और दाम। मोदी जी से अपील है कि पेट्रोल पे 3 दिन के लिए सिर्फ 3 रुपए बढ़ा करके आप हमसे पैसा ले लो, 3 दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं। एक एटा काम नकरिले 2024 लोकसभा निर्वाचन परास्त हब बीजेपी। मोदी जी प्लीज इस बात पे ध्यान दो और आप इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे काम करो, लेकिन आपके नीचे वाले नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज इस पे भी आपको ध्यान देना, नहीं तो 24 में बहुत तकलीफ आ सकती है और मुझे बहुत पीड़ा होती है जब आपकी सरकार कहीं कहीं गिर जाती है। रेल सामग्री बिक्री करा एजन विक्रेतार मोदी सरकार विशेष आह्वान। 3 दिन पेट्रोल दाम 3 टका बृद्धि कर। 3 दिन टकार सरकार आंतराष्ट्रीय ऋण आदाय द देशर 100 কোটি নাগরিকর বেংক একাউণ্টৰ পৰা 1 টকা কৈ সংগ্ৰহ কৰক আৰু মাহে জমা হোৱা 30,000 কোটি টকা দৰিদ্ৰ জনতালৈ এৰি দিয়ক। ৰেলত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা আপদেশ দুবে নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ বিশেষ আহ্বান মোদী চৰকাৰলৈ। দেশত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য অত্যাধিক ব্যয়বহুল হৈ গৈ আছে আৰু আগন্তুক 5-6 বছৰত দেশৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিব। গতিকে মোদী চৰকাৰে এই বিশেষ কামকেইটা কৰি একাংশ ধনী শ্ৰেণীৰ লোকৰ লগতে দুখীয়া দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণো যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ বাবে কাৰ্যপন্থা হাতত লবলৈ আহ্বান জনাইছে মোদী চৰকাৰক। सर जैसे अभी क्या है कि हमारे देश का मुद्दा मेन यही है कि एजुकेशन और मेडिकल जो इतना महंगा हो चुका है, एजुकेशन एंड मेडिकल, कि जिससे 10-5 साल बाद बहुत हालत खराब हो जाने वाली है देश की, तो इससे राहत पाने के लिए हमारे मन में एक ऐसा सुझाव आया जो मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ कि जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या है देश की, तो लगभग 100 करोड़ लोगों का तो बैंक में अकाउंट होगा ही। और बोलो कैसे हो, 100 करोड़ लोगों का तो होगा ही बराबर अकाउंट, तो जितने लोगों का अकाउंट है मैं चाहता हूँ भारत सरकार रोज का 1 रुपए लिया करे हमसे। वो जो टैक्स लेती जीएसटी लेती वो सब अलग मैटर है, इसका 1 रुपए रोज का लेवे और 100 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जानी चाहिए, तो महीने का 3,000 करोड़ रुपए होता है और उसी पैसे से आम जनता को, हम जैसे लोगों को, एजुकेशन मेडिकल में पब्लिक को राहत दे सकती है। और रही बात जो इंटरनेशनल कर्जे है देश के जो बाहर देश से लिया गया है उस कर्जा मुक्त होना है, तो मोदी जी से अपील है कि पेट्रोल पे 3 दिन के लिए सिर्फ 3 रुपए बढ़ा करके आप हमसे पैसा ले लो, 3 दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए सर अगर पेट्रोल पे 3 रुपए बढ़ा दिया जाए ना तो इंटरनेशनल कर्जा खत्म हो सकता है। तो मोदी जी प्लीज इस बात पे ध्यान दो और आप इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे काम करो, लेकिन आपके नीचे वाले नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज इस पे भी आपको ध्यान देना, नहीं तो 24 में बहुत तकलीफ आ सकती है और मुझे बहुत पीड़ा होती है जब आपकी सरकार कहीं कहीं गिर जाती है। तो जय श्री राम, वंदे भारत। न्यूज डेस्क, एनबी न्यूज़।